सो हेलो ब्लेडर्स, तो कैसे हो आप सब लोग। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झिंगा को समुराई पेगासस कैसे मिला, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे जब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें झिंगा को पेगासस न्यू पेगासस कैसे मिला। तो वहाँ पे बहुत से लोग मुझे ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि झिंगा को समुराई पेगासस कैसे मिला। और देखा जाए तो आपका ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा वैलिड है आपका ये क्वेश्चन, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया कि झिंगा को समुराई पेगासस कैसे मिला, ना कि हमें दिखाया गया। तो यहाँ पे मैं क्यों भाई, यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इसके बारे में और ये मिस्ट्री को सॉल्व करूँगा। ये एक तरह की हमारी मिस्ट्री है। सो ये बहुत से लोग पूछ रहे थे। सो वीडियोस भी जितनी लाइक ज़्यादा रहेगी उतनी जल्दी न्यू वीडियोज़ आते रहेगी। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं समुराई पेगासस के बारे में, तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि समुराई का मतलब क्या होता है। तो समुराई का मतलब जापानीज़ में होता है एक मिलिट्री जो क्लास वॉरियर में सबसे हाई हो, हिस्टोरिकल वे में उसने कुछ किया हो। तो इसका पूरा एग्जांपल हमें जाता है कि हिस्टोरिकल पीरियड में किसी ने कुछ ऐसा नाम कमाया हो जिसे उसे समुराई कहते हैं, कुछ हिस्ट्री बनाई हो। तो ये तो बात अभी क्लियर हो गई कि समुराई पेगासस कैसे नाम इसका हुआ। तो अब हम बात करते हैं इसे क्यों दिया गया और झिंगा के पास समुराई पेगासस कैसे आया। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, लास्ट में जब बेब्लेड मेटल फ्यूरी में जब झिंगा और नेमेसिस की फ़ाइट हो रही थी, तो उसमें पेगासस की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी वो बैटल में, क्योंकि हमने देखा था वो एपिसोड में बहुत सारे बेब्लेड डैमेज हो गए थे, बहुत सारे बेब्लेड टूट गए थे, सिर्फ झिंगा का बेब्लेड ही बचा था जिसको नेमेसिस को टक्कर देने के लिए। और फिर हमें दिखता है कि झिंगा का बेब्लेड भी कैपेबल नहीं रहता फिर, लेकिन अचानक से झिंगा को बहुत सारे लोगों की पावर मिलती है, पूरी दुनिया से पावर मिलती है उसके पेगासस को, और उसका स्पिन रोटेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके ध्यान से सुनो। जब झिंगा को पूरी दुनिया से पावर मिलती है तो उसके पेगासस को एक इतना ताकतवर पुरुष मिल जाता है कि उसका पेगासस इवॉल्व हो जाता था वो पीरियड में। तो आपको एक बात याद दिला देता हूँ कि जब झिंगा ने एक अटैक यूज़ किया था जो गैलेक्सी पे गया था जिसका नाम था सुपर कॉस्मिक नोवा, इसके बारे में आपको मालूम होगा क्योंकि ये अटैक झिंगा ने पहली बार यूज़ किया था, वो भी नेमेसिस के सामने, क्योंकि वो अटैक पूरे के पूरे गैलेक्सी से आया था और वो पहली बार यूज़ हुआ था, और उसके अंदर सारे बेब्लेडर्स की ताकत थी, सारे हम कह सकते हैं बेब्लेड ने ताकत दिए थे उस अटैक के लिए। तो वो अटैक कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, और ये सोचो कि पेगासस वो टाइम पीरियड में कितना ताकतवर हो गया होगा जिसने नेमेसिस को हराया। और फिर बाद में हमें दिखता है कि जो है पेगासस जो है वापस से अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है जो रहता है कॉस्मिक पेगासस। अब आप लोग मुझे पूछ रहे होगे कि तुझे कैसे लगता है कि जो झिंगा पहले ही वहाँ पे अनलीश कर लेता है पेगासस की पावर। देखो गाइस, उसमें ये थी कि जब झिंगा फाइट कर रहा था नेमेसिस के सामने तो हमें वो फोर्स दिखाया गया था, जो फोर्स था वो पूरी तरह एक कह सकते एनर्जी, और ये एक बार नहीं, ये हमें बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज में टाइसन के वक्त भी दिखाया गया था। तो जैसे कि आपको याद होगा जब टाइसन और ब्रुकलिन की फाइट हो रही थी उसमें टाइसन ने अपने बहुत सारे दोस्तों के बिटबीस की पावर ली थी तो उसका बेब्लेड इवॉल्व हो गया था। तो आपको ये बात ध्यान होगी, तो ये इसी तरह ही मैं कह सकता हूँ इसी तरह ही झिंगा का बेब्लेड बन सकता है समुराई पेगासस। पर लेकिन इसके पीछे कुछ और एक रीजंस भी है। तो जैसे कि आपको शोगुन स्टील आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें हमें बताया गया था कि शोगुन स्टील में कि समुराई पेगासस को एक बहुत से मतलब पार्ट से बनाया गया था। तो एक बीबीए एक बहुत ही बड़ी एसोसिएशन थी, तो जब पेगासस ने नेमेसिस के साथ फाइट की थी तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि वो पूरी तरह टूटने पर आ रहा था। तो वहाँ ही जो वर्ल्ड बेब्लेड ऑर्गेनाइजेशन वाले थे तो उन्होंने देखा कि बेब्लेड जो है पेगासस वो टूट रहा है, तो उन्होंने उसे रिपेयर किया, उसके अंदर पावर डाली और उसे एक तरह से कस्टमाइज़ किया और इम्प्रूव किया। तो इसी तरह उसे समुराई पेगासस बोले, क्योंकि समुराई का मतलब मैंने बताया आपको कोई भी एक हिस्टोरिकल पीरियड में जो कुछ महान काम करे। तो इसी तरह समुराई पेगासस महान काम कैसे हुआ, क्योंकि पेगासस ने
नेमेसिस को हराया है। तो इसी तरह उसे समुराय पेगासस कहते हैं, और इसी तरह हम कह सकते हैं कि झिंगा को समुराय पेगासस मिला। सो इसी तरह समुराय पेगासस एक तरह का फ्यूजन है एवोल्यूशन का और कस्टमाइजेशन का। तो मैं होप करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं और ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। सो आप में और भी कोई मिस्ट्री है, और भी कोई डाउट्स और क्वेश्चंस बढ़े हैं, तो भाई बिंदास कमेंट करो नीचे कमेंट सेक्शन में, जो भी पूछना है पूछ लो और बिंदास। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और भाई लोग सब्सक्राइब करो, 100K होने वाले हैं, 100K जल्द से जल्द पहुँचना है। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों का शेयर करना, और जो चैनल पे न्यू है भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में एक बेल आइकन रहेगा उससे ऑल पे क्लिक करना, ऑल पे। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।